पड़ने के साथ साथ ठंडा भी बहुत ज़्यादा होने लग गया, हाथ ना टाइट वो होने लग गई, काम नहीं कर रहा, दर्द हो रहा हाथ तो ठंड की वजह से। और साथ में एक जरूरी बात बता दूँ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास, स्वागत करते हैं आपके और हमारे चैनल यूके मोटो व्लॉग पर। तो आज की वीडियो बहुत कमाल और धमाल होने वाली है क्योंकि आज हम जा रहे हैं सुरकंडा मंदिर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप मत करना। तो पानी करते हैं गर्म, नहाते हैं और निकलते हैं मंदिर के लिए। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई प्रांजल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सुरकंडा जा रहे हैं, तो हम पहुँच चुके हैं अभी एयरपोर्ट के पास। अभी निकलते हैं आगे और आपको दिखाते हुए चलते हैं कि कैसे कैसे आगे का रास्ता है। आज का मौसम हो रहा है दोस्तों बहुत चिल्ड मौसम में। मैंने डेट काफ़ी टाइम से चुनी थी कि हम 5 तारीख को सुरकंडा जाएंगे, क्योंकि आज वहाँ के वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा है कि आज वहाँ बर्फ़ पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिए क्योंकि इस रोड पर जंगली हाथी या जंगली जानवर बहुत सारे आपको कभी भी मिल सकते हैं। तो हमारी बाइक के पिछले ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रहे, तो अभी हम आए दुकान में। तब भी हम अपनी गाड़ी को लेकर लंबे रूट पर निकले, अपनी हवा हुआ एकदम बढ़िया से चेक वेक करा लें और हो सके तो पंचर किट अपने पास रखें। तो सुरकंडा मंदिर जाने के दोस्तों हैं 3 रास्ते। एक तो आप जा सकते हैं डायरेक्ट मसूरी होते हुए, देहरादून से मसूरी होते हुए आप जा सकते हैं सुरकंडा। एक रास्ता है कि आप ऋषिकेश से चंबा होते हुए जा सकते हैं सुरकंडा। और एक रास्ता है जो रायपुर से आप मालदेवता वाली रोड को देंगे, ये रास्ता भी सुरकंडा जाता है। और तीनों ही रास्ते बिल्कुल अलग। थोड़ी बहुत आपको ऑफ रोडिंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाल पुल, यहाँ से लेंगे हम राइट टर्न। यहाँ से हो चुके दोस्तों हमारी ऑफ राइडिंग थोड़ा शुरू। तो ये है दोस्तों मॉर्निंग के नज़ारे। इस रास्ते की बस यही खासियत है कि आपको बहुत अच्छा अच्छा व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दूसरा ये छोटे रास्तों में थोड़ा ये दिक्कत है, यहाँ डोंगे डांगे बहुत सारे आते हैं, तो थोड़ा बच बुझ के चलना। और अगर आप बरसात के टाइम में आ रहे हैं तो ये दिक्कत थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। और सामने दोस्तों जो आपको ये गांव दिख रहा है, इसके बारे में आपको बता दूं। छोड़ो यार, मैं नहीं बता रहा, फिर आप स्किप कर देते हो। तो अब पहुंच चुके हैं दोस्तों हम दुबड़ा, और आप यहां से व्यू देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है यहां से। अभी आपको दिखाता हूं मैं कितना भयंकर यहां से दिख रहा है इस टाइम पे। वो बंदा पीछे लगा हुआ है पूरी मेहनत करने में, कैमरा लेके अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींच रहा है। तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना है दोनों को, और देखना है यहाँ की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़। दूसरी वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ये चीज़ के लिए बोला था, और अभी यहाँ मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि आप कितनी भी अच्छी जगह चल जाओ और लोग अपनी गंद फैला ही देते हैं। तो इस गंद की बात कर रहा था मैं, आप कितने से अच्छी जगह भी चल जाओ पर सब जगह जाकर आपको यही गंद देखने को मिलेगी। आपको अपना इंजॉयमेंट करना तो आप करो, पर ऐसे नहीं कि आप किसी भी जगह में जाके ऐसी गंदगी फैलाओ। अगर आपको ऐसी गंदगी फैलानी तो आप अपने घर में रहो और अपने घर में इतनी गंदगी फैलाओ। तो मेरा यही बोलना है कि आप अपने घर से यहाँ पर इंजॉय करने आते हैं या दूसरी जगह को गंदा करने। तो अभी हम रुके हैं थोड़ा सा नाश्ते के लिए, अभी थोड़ा बहुत खाते हैं मैगी और निकलते हैं क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है। शायद आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, पर इसमें अब काफ़ी देर से बारिश लगी हुई है और ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही बारिश, पर बूंदाबांदी अभी भी हो ही रही है। और आप पीछे के नज़ारे देखो। तो आपको पता है पहाड़ों में सिर्फ एक ही नाश्ता होता है, खासकर जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं, मैगी और चाय। लेते हैं इसके मज़े। तो अपनी मैगी चाय हो चुकी है दोस्तों एकदम बढ़िया करके। अब निकलते हैं आगे की तरफ। और वैसे अभी पता काफ़ी बारिश हो गई यहाँ पर, और हो ही रही बारिश, पर फिर भी थोड़ा निकलते हैं बारिश में आगे, और आगे देखते हैं अभी क्या सीन बनता है। दोस्तों पुनिया गढ़, अभी हम यहाँ से लेंगे मंदिर जाने के लिए लेफ्ट। तो अभी रह गया दोस्तों 19 किलोमीटर, और हम आए तो इस उम्मीद थी कि हमें बर्फ़ भी देखने को मिलेगी, पर अभी तक तो बर्फ़ का कुछ नामो निशान नहीं है। बाकी अगर बर्फ़ पड़ी होगी तो आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिख जाएगा। तो इतना तो मैं पूरा भीग चुका हूँ। तो दोस्तों देखने तो बर्फ आए थे, पर यहाँ बारिश के अलावा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। और 1 बज गई और अभी तक हम मंदिर में नहीं पहुंच पाए क्योंकि बारिश ही कंटिन्यू होती जा रही। नीचे से तो कम कम थी पर यहाँ अभी ठीक ठाक बारिश हो रही और कपड़े वपड़े भी पूरे भीग गए। सीट भी गीली ना हो इसलिए हमने बाइक भी इसके नीचे खड़ी कर दी। फिलहाल कैमरा वैमरा भी पूरा अपना बैग वैग पैक कर दिया। उम्मीद करते हैं कि बर्फ पड़े, इसी उम्मीद में आज बर्फ पड़ेगी तो हमें मजे आ जाएंगे। इसी उम्मीद में आगे हम जाते जा रहे हैं बस। तो बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही तो ऐसे ही चलते हैं बारिश में थोड़ा भीगते हुए आगे को। देखते हैं किसी दुकान वुकान में रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे क्योंकि ठंडा तो हो रहा भयंकर नेक्स्ट लेवल का। तो चाय वाय पीते हैं, थोड़ा ठंड को कम करते हैं। चले भाई प्रांजल, चलो भाई चलो। पहुँच चुके हैं दोस्तों मंदिर के पास। ठंडा आप देख सकते हो कितने इस लेवल का ठंडा हो रहा। रास्ते में तो हो रहा पूरा कोहरा ही कोहरा और लोगों को जहाँ आग जली हुई दिख रही है वहीं पर लोग आग सेकने पहुँच जा रहे। तो चालू कर दिया दोस्तों हमने मंदिर के लिए जाना और रास्ता सीढ़ियों में चलना शुरू कर दिया। और यहाँ देखो हमारा ड्रेसअप क्योंकि बारिश रुक नहीं रही इस वजह से हमने ये पहन लिया कि ताकि थोड़ा बहुत हम बारिश से बच सकें। इतनी हो रही बारिश की ये पहनना पड़ रहा। और आप फिर भी लोगों की श्रद्धा देखो, इतनी बारिश में भी लोग मंदिर में जा रहे हैं। लोग कौन भाई, लोग कौन, हम ही तो हैं। ऐसे रास्तों में ना आप खास ध्यान रखना कि ऐसे ठंडे रास्तों में ना हमें लगता है कि हमें प्यास नहीं लग रही पर ऐसे ठंडे रास्तों में हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो पानी को पीते रहें। और जिन लोगों को दोस्तों चलने में दिक्कत होती है तो मंदिर में अभी जल्दी शायद कुछ टाइम बाद तो ये शायद शुरू हो जाएगा तो इसकी मदद से बुजुर्ग लोगों को भी थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि पैदल चलने में काफ़ी है और चढ़ाई भी काफ़ी है। इसका दोस्तों हमें बेसब्री से इंतजार था। अब हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी, क्या बोलता प्रांजल? हाँ भाई पड़ने लगी है तो अभी तेज स्नोफॉल होगा इस बार। अब आएगा मजा असली ट्रिप का क्योंकि हम एक्साइटेड थे बर्फ के देखने के लिए कि पड़ती हुई बर्फ। मैंने पड़ी हुई बर्फ बहुत देखी है पर पड़ती हुई बर्फ शायद आज देखने को मिले। तो बर्फ पड़ने के साथ साथ ठंडा भी बहुत ज्यादा होने लग गया, हाथ ना टाइट वो होने लग गया, काम नहीं कर रहा, दर्द हो रहा हाथ तो ठंड की वजह से। पर कोई नहीं, हर ट्रिप से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। इस बार का एक्सपीरियंस ऐसा। चलो चलते हैं आगे, अभी तो काफ़ी है जाने के। चलो तो अब मंदिर में जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता रह गया, मतलब ज़्यादा नहीं, अब आधे से ज़्यादा हमने कंप्लीट कर लिया। हालत होता पुराना, हालत कितनी कितना हाथ देख सकते हो आप कैसे हो रहे हैं अभी, लाल लाल टमाटर जैसे हाथ हो रहे हैं हमारे। हाथ में इतना दर्द हो रहा है फोन में नहीं चल पा रहा। कितनी बर्फ चली, देख बर्फ आ गई, बर्फ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों ये ना बर्फ पड़ रही है, बारिश नहीं है, ये बर्फ है, ये बर्फ है। और साथ ही हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे सूट उतारते हैं तो मैं भी आपको अपने हाथ की कंडीशन दिखाता हूँ। हाथ ना सूख चुके हैं ठंडे से, अगर आप देख पा रहे हो हाथ नीले से पड़ेंगे। यकीन नहीं होना भयंकर दर्द होता कि हाथ में काम करना ही बंद कर दिया था। अभी तक तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी पर धीरे धीरे देखते देखते यहाँ पर ठीक ठाक बर्फ़ पड़ जाएगी। तो अब चलते हैं नीचे की ओर क्योंकि धीरे धीरे बर्फ़ बढ़ती जा रही और अगर ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई तो जूते फिसलेंगे, चलने में भी दिक्कत होगी काफ़ी। बढ़ते हमने पूरे नंगे पैर बर्फ में तो इसलिए जल्दी से निकलते हैं नीचे की तरफ। रात पड़ते पड़ते शायद बर्फ काफी ज्यादा पड़ जाएगी। तो ये एक्सपीरियंस दोस्तों एकदम अलग ही टाइप का है। इतनी भयंकर बर्फ पड़ रही है अभी यहाँ पे और पड़ती जा रही है। तो आप देखना पूरे व्लॉग को, मजा आएगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ और साथ में एक जरूरी बात बता दूँ, बर्फ पड़ रही है और अभी शूज ना हमारे स्लिप हो रहे हैं। तो आप जब भी मतलब ऐसे टाइम पे हैं तो अच्छे ग्रिप वाले शूज पहनते हैं। जब पड़ती है बर्फ नहीं होती है कि बर्फ पड़ने के बाद जब वो जम जाती है तो वो ज़्यादा सकती है। तो आप अच्छे ग्रिप वाले शूज पहनते हैं। गर्ल्स खासकर ऊंचे हिल्स वाले शूज का पहन के हैं, स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं या अच्छे ग्रिप वाले। तो धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत स्लिपरी हो रहा है। हमारे जूते मतलब दोनों के इतने सही ग्रिप वाले हैं, फिर भी यहाँ पे हमारे शूज स्लिप हो रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बर्फ अभी पड़ रही है और पैर हमारे स्लिप हो रहे हैं। तो अभी हिम्मत तो हो नहीं रही दोस्तों वीडियो बनाने की। तो अभी आपको सीधा नीचे ही मिलते हैं। बहुत भयंकर बर्फ पड़ रही है, क्यों भाई पंजाब? हाँ भाई, बहुत तगड़ा सीन हो रहा है एकदम। कल आप देख सकते हो एकदम भयंकर ही बर्फ पड़ रही है। तो आपको थोड़ा नीचे मिलेंगे। तो दोस्तों माता सुरकंडा देवी मंदिर का यह है, यहाँ पर सती माता आहुति दी थी अपने प्राणों को। तो जब यहाँ से शिव भगवान उन्हें ले गए थे तो उनका जो सिर वाला पिंड है वो यहाँ पर गिरा था, तभी इस मंदिर का नाम सुरकंडा पड़ा। इसी के साथ दोस्तों हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। अगर आगे कुछ दिखाने लायक हुआ तो हम जरूर दिखाएंगे, वरना क्योंकि बहुत बर्फ पड़ी है, ठंडा है, वीडियो ज़्यादा बना नहीं पा रहे। निकलते हैं घर की तरफ। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे आपको बर्फ दिखेगी और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ बर्फ बहुत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही आप जब भी यहाँ पर आए अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गर्मी में भी आओगे तो शायद अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती तो यहाँ पर ठंड एकदम से बढ़ जाती है। तो ये उत्तराखंड की खासियत है कि यहाँ पर कभी भी टेम्परेचर कुछ भी चला जाता है। तो आप जब भी आए गर्म कपड़े अपने साथ लेके आए।